ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं और भक्ति में आने वाली जो रुकावटें हैं वो सब समाप्त हो जाएं, ताकि हम तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ सकें, अपनी सेवा को, अपनी साधना को अच्छे से कर सकें। इसके लिए हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे और सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन में जो भी कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, तकलीफें हैं, रोग हैं, वो सब नरसिम्हा देव भगवान अपनी कृपा से समाप्त करें, ताकि सब जीवों को भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो। अथ श्री प्रह्लाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम। नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रियाशुशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनशङ्काशं पीतनिर्मलवाससं सुरमौलिस्तस्पुरन्माणिक्यदुक्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मदान्वितं सौत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः स्थालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनं स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहोरसनामम वक्त्रं पाक्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजो करो मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षतु क्षीमिदारिण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्थितः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यं यस्यासौ पातु मे कटिं
गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् पूर्वमनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु दयाभार हट्टायो सौम्रिकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे निरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोनितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नरितु पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषण विग्रह ईशानां पातु बन्धु मे सर्वमङ्गलदायक संसारमयदं पातु मृत्युर्मृत्युमृकेसरी इदं नृसिंहः कवच प्रह्लादमुखमण्डित भक्तिमाया पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनमाल्लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्तोऽद्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विषापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भूर्जेवातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्म सिद्ध्ययः देवासुरमनुष्येषु स्वंसमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठे शुद्धात्मभिर्निभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं हृद्रादस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रजम् प्राशदेव्यं प्राशयेदं नरं मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि सम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तम् दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् भक्तश्रोमणी प्रह्लाद महाराज जब भी मंदिर में कभी स्तुति हो रही होती है तो भगवान और भक्त का वार्तालाप चल रहा होता है कभी भी हम उसके बीच में आए तो आके उस सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आके आराम से बैठ जाना चाहिए जरूरी थोड़ी आगे आओ दूसरों को डिस्टर्ब करो है ना जिधर जिधर स्थान मिले स्तुति के टाइम पर बैठ जाना चाहिए वरना आप अगर स्तुति नहीं करोगे या आप अगर कथा नहीं सुनोगे तो भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे आप बाहर भी बैठोगे ना तो भी भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे लेकिन आपके कारण यदि किसी की सेवा में अगर बाधा पड़ती है यदि वो भगवान से कोई प्रार्थना कर रहा है या कोई स्तुति हो रही है उसमें यदि आपके कारण कोई बाधा है तो भगवान आपको उसका पनिशमेंट करेगा तो इससे हमको क्या करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि जब स्टार्ट हो गया है स्तुति स्टार्ट हो गई है तो ध्यान से बैठ जाना चाहिए आखिर तो खत्म भी होगी ना 5 मिनट की तो स्तुति है
15 दफा डिस्टर्ब करते हैं इसमें, क्षमा कीजिएगा यदि अच्छा न लगा हो तो। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हृदय में जो सांसारिक बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो सांसारिक विचार चल रहे हैं, उन सबका परित्याग करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी अभी श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। चले गए आप कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हो। एक बार
श्री नारायण जी से लक्ष्मी महारानी ने पूछा कि आप मुझे नवे अध्याय का महात्म्य सुना। कहते हैं कि ये जो नवा अध्याय है वो श्रीमद् भगवद गीता का हृदय है। हृदय है तो हृदय में क्या होते हैं? सीक्रेट्स होते हैं। तो भगवान ने इसका नाम भी क्या लिखा है? परम गुह्य ज्ञान, राजविद्या राजगुह्य। गुह्य कहते हैं सीक्रेट्स को। तो लक्ष्मी महारानी को नारायण भगवान नवे अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आप लोग यहां पर आकर बैठ जाइए। नारायण भगवान कहते हैं कि दक्षिण दिशा में एक शूद्र था, उसका नाम था सुशर्मा। वो बहुत पापी था, मांसाहार करता था, शराब पीता था, जुआ करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, पर स्त्री संग करता था और बहुत सारे अपराध करता था। एक बार ही क्या हुआ कि वो शराब पीकर सो रहा था और सोते में ही मर गया। रात को सोते सोते मर गया। अब क्योंकि शुभ कार्य तो कोई किया नहीं था, इसलिए मरने के बाद वो प्रेत बन गया। क्या बन गया? प्रेत क्या होता है? भूत। क्या होता है? प्रेत बन गया। और फिर एक बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, उस पर आकर रहने लगा। एक भिखारी ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था, दिन को भीख मांगता था और स्त्री को लाकर देता था। उसकी बीवी बहुत लालची थी, भिखारी था, ब्राह्मण था, बीवी जो भी दान मिलता था ना, लेकिन वो कभी भी उससे कोई पुण्य कर्म नहीं करते थे। ब्राह्मण थे तो उनको पुण्य कर्म करना चाहिए था, दान देना चाहिए था और कार्य अच्छे करने चाहिए, कोई भी अच्छा काम नहीं करता। कुछ दिनों के बाद इन दोनों ने प्राण त्यागे और वो भी क्या बन गए? प्रेत बन गए। अब देखो कितने सारे प्रेत हैं। अब देखो जो भी गलत गलत कार्य करता है ना वो प्रेत बन जाता है। इसलिए आप सोच सकते हो संसार में कितने सारे प्रेत होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो नेगेटिव वर्क्स करते हैं। कार्य चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये सब तो लगा रहता है, तो इसलिए बहुत सारे भूत होते हैं। इसलिए हर मंडे को आके नरसिम्हादेव भगवान के सामने कवच अस्तुते जरूर पढ़ लिया करो, वरना भूत जो है किसी को भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए प्रोटेक्शन कवच अस्तुते जरूर होना चाहिए। तो अभी पर भी बहुत सारे भूत हो गए। कुछ अर्से के बाद फिर क्या हुआ, वो भी उसी दरख्त के नीचे आ गए जहां पर वो पहला वाला ब्रह्म था ना, उसी के साथ आ गए। और वहां रहते हुए उनको कुछ समय हो गया, तो एक दिन उसकी बीवी चाचनी भूतनी ने कहा, जो दो पति पत्नी मरे थे ना, तो पत्नी ने उसको कहा, पता नहीं था उसको ये मेरा पति है। अलग अलग भूत को पता नहीं होता है कि पिछले जन्म में क्या था, उसको याद नहीं था। कहने लगा, ए पुरुष भूत, तुम्हें अपना पिछला वाला जन्म याद है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? वो बोला, हाँ मुझे सब याद है। बोला, अच्छा जो तुम्हें पिछला जन्म याद है, जिसके सुनने से तुमको पिछला जन्म याद। तो प्रेत ने जवाब दिया, मैंने स्वयं तो कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन उसने एक जगह पे मैं गया, वहां पर एक ब्राह्मण जो है श्रीमद् भगवद गीता का नवा अध्याय पढ़ रहा था, तो मैं तो गलत कार्य करने की नियत से गया था, लेकिन वो पढ़ रहा था तो कुछ शब्द जो है मेरी कानों में आ गए थे। वो क्या थे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भगवद गीता के अध्याय के कुछ शब्द मैंने सुन लिए थे और वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। इतना कहकर उस
वो श्लोक मतलब जैसे ही उसने बोला कि भगवान ऐसे बता रहे थे कुछ कुछ मुझे याद है कि मेरे भगत बनो मुझे नमस्कार करो कुछ ऐसे शब्द थे, तो जैसे ही उसको सुनाने लगे उस वक्त श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत जो पहले जो था जो पहले मरा था ना वो भी ऊपर से आ गया और नीचे आकर बोला आप लोग आपस में कौन सी बातें कर रहे हो, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। दूसरा जो भूत था ना ऊपर बैठा हुआ था वो नीचे आ गया था और वो बोला आप लोग आपस में जो बातें कर रहे हो ना वो इतनी इतनी आनंद देने वाली है, मुझे पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो लेकिन ये सुनकर मुझे आज तक भूत के योनि में भूत बना हूं, जब से तब से तकलीफ में हूँ तब से दुखी हूँ लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बात सुन के मुझे आनंद आ रहा है। तब ब्राह्मण पिशाच ने उसे बताया कि हम लोग है ना गीता के नवे अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोला अच्छा तुम्हें आता है, बोला नहीं मुझे थोड़ा सा ही पता है खाली यही है कुछ ऐसा आधा पोना मुझे श्लोक याद है मन मना कुछ ऐसा ही है। तो इससे जैसे ही उसने सुना तब आकाश से विमान आए और तीनों प्रेत योनि से छूट गए और विमान में बैठ कर वैकुंठ लौट चले। सिर्फ थोड़ा सा सुना था वो भी पिशाच योनि में और उनकी मुक्ति हो गई। देखो कितना ये महान है और हम लोग तो भगवान की कृपा से पिशाच भी नहीं है, है ना, प्रेत भी नहीं है, मनुष्य बने हैं भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं और अभी पूरा अध्याय सुनने वाले हैं ब्रीफली ओवरव्यू। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, इसी अध्याय के कारण मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि ये भगवत गीता के नवे अध्याय का महात्मा है, जो लोग इस भगवत गीता को प्रेम और भक्ति के साथ सुनते हैं वो भौतिक जगत को पार करके भगवान के वैकुंठ लोक में वास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो जिसको भगवान के धाम जाने की इच्छा है वो ध्यान से कथा सुन, सोना नहीं कथा में, अगर सो गए तो भले सोना मगर खराटे नहीं मारना क्योंकि साइड वाले की नींद टूट जाएगी फिर, इसलिए ध्यान से बैठो कथा सुनो और शांति से, ठीक है। ओम अधम ज्ञान राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नवमोध्याय। इस नवे अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्यम। गुह्य कहते हैं सीक्रेट को, और सीक्रेट क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुह्य का मतलब वो है सीक्रेट, मतलब जो बहुत ही गुप्त है, और गुप्त क्या है, एक ही चीज गुप्त है संसार में और वो क्या है, प्रेम। प्रेम ही गुप्त है और प्रेम का साधन क्या है, कैसे प्रेम का इजहार किया जाए, अनन्य भक्ति से, और भक्ति कैसे की जाए, लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की कुछ सेवा करके। तो इन्हीं चंद चीजों को भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि जो गुह्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको ये पता चले कि गुह्य ज्ञान है भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, बस सबसे सीक्रेट यही है। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है, ये प्रेम संसार से लग जाता है ना, प्रेम तो होता ही है, प्रेम तो जीव का स्वभाव है, जीव प्रेम के बगैर नहीं रह सकता, चाहे कितना ही पत्थर दिल व्यक्ति हो जो ये माने और ये डिक्लेयर करे कि मुझे प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रेम पसंद नहीं, कितना ही बड़ा वैश्य हो जो भी हो वो ना माने, मगर हकीकत है प्रेम तो मनुष्य की जरूरत है, प्रेम के बगैर मनुष्य तो क्या, जीव आत्मा यदि यदि किसी खूंखार जानवर की भी योनि में चला जाएगा तो भी वो प्रेम के बगैर नहीं रह सकता, प्रेम तो हमारी सबसे प्रथम आवश्यकता है।
और प्रॉब्लम क्या है, ये प्रेम जब संसार से हो जाता है तो हमारे दुख का कारण बनता है, ये प्रेम जब भगवान से हो जाता है तो डबल दुख का कारण बन जाता है। इसलिए मीरा भाई कहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। सबको बता देती भाई कृष्ण से प्रेम मत करना, तो मनुष्य से प्रेम करेंगे एक दुख, भगवान से प्रेम करेंगे सारा संसार दुख देगा। इसलिए लेकिन फिर भी भगवान के साथ प्रेम करने में जब दुख मिलता है उसमें जो आनंद है, उसके लिए कुंती महारानी कहती है भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। एक बार दुख के समय जब हृदय से तुम्हारा नाम निकलता है और तुम सामने प्रकट हो जाते हो, फिर दुख ना जाने कहां गायब हो जाता है, पता नहीं चलता, बस तुम ही याद रह जाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुरू में, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अब भगवान जो गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं, सबसे पहले उस गुह्य ज्ञान, क्या है गुह्य ज्ञान? प्रेम। प्रेम किसका साधन क्या है? भक्ति। तो सबसे पहले भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि देखो भक्ति की महिमा क्या है, कि इसको जानने से यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तुम्हारे जीवन की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारे जीवन का हर संकट, हर क्लेश, हर मुसीबत समाप्त हो जाएगी। बस इसको खाली जान लो, अपने जीवन में अप्लाई करोगे वो बहुत दूर की बात है। ये ज्ञान ऐसा है, भगवान कहते यज ज्ञात्वा, अप्लाई करने का बोला ही नहीं। तो हम लोग को जानना है कि भगवान क्या बता रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये वही जान सकता है गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे। अनसूयवे का मतलब होता है जो ईर्ष्या नहीं करता, जो हसद नहीं करता, जिसके हृदय में जलन नहीं है, जो सबके लिए सुहृद है, जो सबसे प्रेम करता है, सबके लिए सुहृद है, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता है। और वो ज्ञान सुनना किससे है? भगवान कहते हैं मुझसे सुनो, प्रवक्ष्याम या न सुन, मुझसे सुनो, तभी हम बोलेंगे अरे भगवान तो नहीं है, अभी अर्जुन को सुनाया, मेरी बारी में तो चले गए, तो आप लोगों को मजबूरन मुझसे सुनना पड़ रहा है। लेकिन भगवान ने कहा मेरे शब्दों को सुनो, मैं भी आपको भगवान के शब्द सुना रही। तो जो भगवान के शब्द श्री प्रभुपाद जी ने हमें एज इट इज दिए ना, वो सुनने का भगवान ने बोला है कि जब हम इन शुद्ध भगवान के शुद्ध उपदेश का ज्ञान जो है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनते हैं, उससे क्या होता है? यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो यहाँ पर सब तीन चीजों की महिमा बताई गई है। सबसे पहले क्या है? श्रवण करना है। श्रव मोक्ष, श्रव का मतलब होता है भगवान कहते हैं मुझसे सुनो, मतलब जब तक आप जीवन में श्रवण नहीं करोगे ना, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, भले कुछ भी करो। आपको पता होगा सारा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए, सुबह को उठना चाहिए, कितना भी पता होगा, लेकिन जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना तब तक फॉलो। कोई कोई लोग बोलते हैं ना ऐसा कि भाई हमको तो ये सारी बातें खबर है, फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, कथा सुनने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ के माला करो, है ना, माला ही करनी है, वहां पर जाके भी तो ये बोलेंगे भाई माला करो, तो फिर श्रवण करने का क्या लाभ है? लेकिन इसका उत्तर है जब आप श्रवण करना बंद कर दोगे ना, आपकी भक्ति बंद हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, सबका करके देख लो, जैसे जैसे हम श्रवण करना छोड़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारी साधना कम होती जाती है और कम होते होते खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में श्रवण के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए, ये पहला स्टेप है। और अगर आप किसी जगह पे चढ़ रहे हो, पहला जो बेस है बुनियाद निकाल दोगे ना तो टस नीचे गिर जाओगे, ये बुनियाद है भक्ति की। तो
श्रवण करना चाहिए, किससे? शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए, मतलब श्रवण की महिमा और उसके बाद साधु संघ की महिमा। और उसके बाद क्या है, मुख्य क्या बात बताई भगवान ने कि ईर्ष्या नहीं करनी है, हसद नहीं करनी है, सबसे संभव रहना है। सब जो वो लोग करते हैं तो करें, लेकिन यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जिसके हृदय में ईर्ष्या होता है, जिसके हृदय में द्वेष होता है, जिसके हृदय में हसद सड़न होती है, उसके हृदय में कभी भी भगवान का प्रेम प्रकट हो नहीं सकता। और जिसके हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है वो कभी भी आनंद से नहीं जी सकता। तो अपने पर कृपा करो, ऐसा नहीं कि जिससे हम जलन कर रहे हैं उसके ऊपर कृपा हो रही है, नहीं, अपने बारे में सोचो। आप यदि ईर्ष्या करोगे तो हृदय किसका दुखेगा, वो तो पता ही नहीं, मजा कर रही है उसको, जिससे ईर्ष्या कर रहे हो वो तो खा रही है पानी पूरी बर्गर पिज्जा जो भी करके मजा कर रही है, हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जल कौन रहा है, सर में दर्द किसके होगा, मेरे घोड़े में दर्द किसका होगा, मेरे। तो अपने ऊपर कृपा करो, आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो ना तो खुशी आपको होगी। यदि आप किसी के लिए नफरत मन में रखोगे ना तो दिल आपका दुखेगा, इसलिए अपने दिल को खुश करो, अपने आप को स्वस्थ रखो और खुश रखो। भले कोई और दूसरा वाले को जिससे आप ईर्ष्या करते हो ना, वो जब आप दुखी होगे, मतलब तब उसके लिए सोच सोच के दुखी होगे, उससे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन आप जब खुश होगे, जब आप आनंद से जियोगे, जब आप बेफिक्र होके मजा करोगे, तब उसको अच्छा लगेगा, तभी उसको ज्यादा। पनिशमेंट तो तब है जब जिससे जलते हो उसको उसके सामने बताओ मैं कितना खुश हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो और भी लगेगा यार ये क्या है। तो ना अपने आप को खुश रखो, और खुशी केवल भगवान के साथ प्रेम करने में होती है, और वो तभी संभव है जब हम किसी से भी ईर्ष्या रखें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कैसा ज्ञान है। अब देखो पहले दूसरे दो श्लोकों में भगवान अपने ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। कौन सा ज्ञान है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान बोलते राजविद्या राजगुह्यम, ये कौन सी विद्या है, राजाओं की विद्या है, या फिर विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ द लिटरेचर। जितनी भी विद्याएं हैं ना संसार में, सबसे उत्तम सारी विद्याओं का राजा क्या है, क्या है, भगवान के साथ प्रेम करना, बस यही है, सीखना यही है कि कैसे हम भगवान। इसलिए हम लोग देखो कथा में क्या बोलते हैं, सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम, सीक्रेट्स में सबसे बड़ा सीक्रेट्स है, और विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या है प्रत्यक्षावगमम धर्मम, और इसको करना बहुत सरल है, सुसुखम, प्यार करना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सबको ही करते हैं। छोटा बच्चा एक दिन का पैदा होता है वो भी अपनी मम्मी से प्यार करके दिखाता है, और हम तो कितनी पुरानी है पता है, भगवान बोलते हैं जब से मैं हूं तब से आप, तो क्या हमें प्यार करना नहीं आता, प्यार करना आता है सिर्फ राइट वे में करना है, बस गलत जगह पे जा रहा है वो प्रेम, अब सही रास्ते पे भगवान कहते हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये कार्य ऐसा है जिसको करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आसानी से करोगे, बहुत ही आनंद से करोगे। और उसके बाद भगवान श्लोक नंबर 4 से लेकर जय हो नृसिंह भगवान की जय। तो भगवान जो है श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक ये बताते हैं कि इस भौतिक जगत से भगवान का क्या संबंध है, ये पूरा संसार है, अगर भगवान से प्यार करना ही हमारे जीवन का मकसद है तो हम ये भी तो सोचेंगे ना आखिर भगवान कौन है जिससे हम प्यार करें, उससे हमारा संबंध क्या है। तो ये भगवान जो है 4 से लेकर 10 तक कितने श्लोक हुए,
चार पांच छह सात आठ नौ दस कितने हैं? दस काउंटिंग भी अच्छी नहीं आप लोगों की तो ठीक है। सात लोगों में भगवान ये बताते हैं कि इस संसार से मेरा क्या रिश्ता है और प्रकृति इस संसार और जीवों से जो संसार में जीव हैं उनसे मेरा क्या वो मतलब क्या जीवों से मेरा रिश्ता है। प्रकृति भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है और भगवान किस तरह से प्रकृति में है भी और नहीं भी बहुत ही सुंदर रीति से भगवान बताएंगे। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। भगवान कहते हैं इसको समझने के लिए आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्लोक नंबर थर्ड में भगवान कहते हैं अशद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है अशद्धदानाः पुरुषा, श्रद्धा नहीं है वो लोग कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकते, कभी भी मेरे प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है आगे अभी बाद में बढ़ेंगे। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले तो भगवान ये बात की कि भगवान जो भी बोलेंगे उस पर मुझे श्रद्धा है। अभी सुना नहीं है ना, पहले से ही मन में रख लो बोलने वाला भगवान है और उसी के शब्द जो है वो परम सत्य है, उन्हीं को सुन के मुझे आनंद आने वाला है, उन्हीं को सुन के मेरा जीवन सफल होने वाला है। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान बोलते अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और मृत्यु संसार वर्तमानी पुनर्जन्म पुनर्मरण, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता जाएगा। अब भगवान बहुत ही सुंदर पृथ्वी के प्रकृति के साथ अपना संबंध बताते हैं। भगवान कहते हैं माया तदम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिनाम। ये जो पूरा संसार है माया तद इदम सर्वम, ये पूरा संसार जो है मेरे द्वारा बनाया गया है। इस संसार की रचना जो है मैंने की है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मैंने किसके द्वारा की है? ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान आए होंगे और फिर ईंटे उठाई होंगी और फिर ना बजरी लेके आएंगे, रेती लेके आएंगे और फिर एक घर बनाएंगे, फिर दूसरा घर बनाएंगे, मजदूरी करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। भगवान बोलते हैं ये पूरा का पूरा संसार मैंने बनाया है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मैंने अपने अव्यक्त स्वरूप के साथ ये इस पूरे जगत में मैं प्रवेश करता हूँ और फिर इस संसार को बता रहा हूँ। पहले भगवान कहते हैं जगत अव्यक्त, दिखता नहीं है, लेकिन बाद में कहते हैं मूर्ति नाम स्वरूप है। इस जगत में तो मैं आपको नहीं दिखता हूँ, जगत में तो आपको लगता है भगवान जो है उसका कोई स्वरूप नहीं दिखता, लेकिन भगवान बहुत ही चतुराई से बोलते हैं कि दिख नहीं रहा हूं लेकिन ये मत समझना मेरा कोई स्वरूप नहीं है। मूर्ति नाम मेरा एक स्वरूप है, सबको नहीं दिखता हूं लेकिन जो मेरे परम भक्त हैं वो मुझे देख सकते हैं। और मत्स्थानी सर्वभूतानी, भगवान कहते हैं ये जितने भी जीव हैं वो मुझ पर आश्रित हैं, सारे के सारे जीव मुझ पर आश्रित हैं। न चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अब सारे जीवों में भगवान है या नहीं है? है ना, किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। भगवान कृष्ण के रूप में कहां पर है? अपने धाम में है। तो भगवान बोल रहे मैं नहीं हूं, ये कौन बोल रहा है? न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं। तो कृष्ण बोल रहे मैं नहीं हूं, मेरा एक स्वरूप है। कौन है? परमात्मा, परमात्मा के रूप में। तो पूरे संसार में भगवान किस तरह से व्याप्त है और इसकी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी देते हैं। देखो इतना आसानी से समझ में आएगा। जैसे पूरे संसार में प्रकाश किसके कारण होता है? सूर्य के कारण होता है। सारे संसार में सूर्य है या नहीं है? लेकिन सूर्य किस स्वरूप में है? प्रकाश के स्वरूप में है ना। असल में सूर्य कहां पर है? आकाश अपने लोक में है। तो सूर्य जैसे ये बोल सकता है, अगर सूर्य कहे कि भाई मैं पूरे संसार में फैला हुआ हूं लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, तो ये सही है या नहीं है? फैला हुआ है प्रकाश के स्वरूप में लेकिन है तो अपने धाम में। उसी तरह से भगवान भी कह रहे हैं कि ये सारा जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप के स्वरूप से भरा हुआ है, हर जगह पर मेरा ही
मेरा ही एक जलवा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा अपना एक स्वरूप है। सारा जगत में चला रहा हूँ, किस स्वरूप में चला रहा हूँ, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, लेकिन भगवान के स्वरूप में मैं अपने धाम में हूँ। और आगे भगवान कहते हैं कि नचमस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम्। नचमस्थानि भूतानि, ये सारे जीव भी मुझ में नहीं है। पहले भगवान बोलते हैं ये सब मुझ में है, अब बोल रहे हैं ये सारे जीव भी मुझ में नहीं है। भूत बृन्न च भूतस्तु मम आत्मा भूत भावना, भूत बृन्न च भूत, मैं सारे जीवों का पालन करने वाला हूँ और हर जगह मौजूद हूँ, हर जगह पे हूँ। भूत बृन्न च भूतस्तु, सबके अंदर, लेकिन फिर भी मैं इस भौतिक जगत के अंदर दिखने वाला नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मैं इधर दिखूंगा नहीं, दिख रहा नहीं हूँ। क्यों क्यों नहीं दिख रहा हूँ? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी योग शक्ति है, योग ऐश्वर्य है कि मैं सारे संसार का उद्गम हूँ, इसलिए मैं संसार में नहीं दिखता हूँ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भगवान ज्ञान बताते हैं। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भेद अभेद तत्व। भेद का मतलब क्या है कि भगवान अपने स्वरूप से जगत में नहीं है, है ना? स्वरूप तो भगवान का जगत में नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान की शक्ति पूरे जगत में दिख रही है। तो भेद क्या है? स्वरूप में नहीं है। अभेद क्या है? शक्ति के द्वारा है। जैसे एक सुंदर सी एग्जांपल है, श्री प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट जो होती है, उसका जो प्रधानमंत्री होता है, वो उसके सारे रूल्स जो होते हैं सारे कंट्री में चल रहे होते हैं, है ना? जो भी संसार में रूल्स चल रहे होते हैं वो प्रधानमंत्री ने या गवर्नमेंट ने जो बताए होते हैं वो चल रहे होते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री खुद तो हर जगह पे नहीं होता है ना, उसके रूल्स चल रहे हैं, मतलब रूल्स। उसी तरह से ये सारे संसार में, प्रकृति में भगवान के रूल्स चल रहे हैं। सूर्य चमकता है, प्रकाश देता है, चंद्रमा रोशनी देता है, और सारे देवी देवता हैं वो भी कार्य कर रहे होते हैं, और सब जो जिनको जो जो आज्ञा भगवान ने दी है, वरुण देव जो है वो जल देते हैं, पवन देव वायु देते हैं, और चंद्रमा प्रकाश आनंद देते हैं, और इंद्र देव जो है वो वर्षा देते हैं। मतलब जितने जितने कार्य करने वाले हैं वो सब कार्य कर रहे हैं, किसके आदेश के अनुसार? भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नचमस्थानि, लेकिन मैं इस जगत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अपना मेरा अपने लोक में मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि हूँ भी और नहीं हूँ। रूल्स के रूप में हूँ, शक्ति के रूप में हूँ, स्वरूप के रूप में नहीं। तो भगवान से पूछा जाए, अच्छा आप ही बताइयो, ये तो समझ में नहीं आया, अर्जुन ने बोला होगा, श्री प्रभुपाद जी तो हमें बहुत सरल समझाते हैं। तब भगवान बताते हैं छठे श्लोक में, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वगोमहान, कि जिस तरह से वायु जो होती है ना, हवा, वो हर जगह जा सकती है, हर जगह जा सकती है। आप हवा को रोक सकते हो, हर जगह जा सकती है, लेकिन इस आकाश के भीतर, आकाश है ना, आकाश से ऊपर वायु नहीं जा सकती। यथा आकाश स्थितो नित्यम, वायु की लिमिट इतनी है कि वो आकाश तक जा सकती है। अभी आकाश हमको समझ में नहीं आ रहा ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे एक बहुत बड़ा पतीला है, उसको अगर हम उल्टा करके रखें तो उसकी जो अंदर हवा है वो अंदर ही रहेगी, उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि वो बाहर आ सके। उसी तरह से भगवान ने जो आकाश का पतीला बनाया ना, उसके अंदर ही सारी हवा है, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो भगवान भी कहते हैं कि जिस तरह से वायु आकाश को पार नहीं कर सकती, तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि च उपादाय, उसी तरह से जितने भी जीव मैंने बनाए हैं वो भी क्या करते हैं, मस्थानि। मस्थानि मतलब मेरे इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते। अभी ये जो ब्रह्मांड है उसमें 14 लोक हैं, तो जब तक वो मेरी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस ब्रह्मांड को पार नहीं कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर बताते, अब जैसे हम लोग हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, तो अलग अलग लोकों में घूमते रहेंगे। कैसे घूमते रहेंगे? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठस्ति राजसा
जगण्य गुण वृत्तस्तो अदौ गच्छन्ति तामसा। अच्छे कार्य करेंगे सत्य कौन से सतोगुण में कार्य करेंगे तो ऊपर लोक में जाएंगे, रजोगुण में कार्य करेंगे तो सेंटर के लोक में जाएंगे, और तमोगुण में कार्य करेंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन भटकते रहेंगे ऐसे, जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं आता तब तक इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकता। और उसके बाद भगवान जो है श्लोक नंबर 7 में बताते हैं कि सब के सब जो जीव हैं वो मरने के बाद जाते किधर हैं? जब तक वो भगवान के पास नहीं जाते हैं, भटकते रहते हैं, फिर प्रलय होता है तो किधर जाते हैं? तो बहुत ही सुंदर भगवान सातवें श्लोक में बता रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कि सारे कल्पक्षये पुनस्तानि, एक कल्प होता है, मैंने आपको बहुत बारी बताया कल्प का क्या मतलब है। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, 4,32,00,000 वर्ष एक दिन होता है, और 4,32,00,000 वर्ष की एक रात होती है, ठीक है। तो एक कल्प जब समाप्त होता है तो प्रलय होती है, फिर जब दूसरा कल्प शुरू होता है तो पुनः प्रकृति का निर्माण किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कल्पक्षय पुनस्तानी, कल्प जब खत्म होता है तो सारे जीव की मृत्यु हो जाती है, और कल्पादौ विसृजामि, हम कल्प के ऊपर जो है कल्प के स्टार्ट होने पर वो वापिस से प्रकट होते हैं। लेकिन वो कहां जाते हैं? भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, वो सब कहां जाते हैं? मेरे अंदर आके समा जाते हैं। अभी कृष्ण के अंदर तो नहीं जाते होंगे ना, तो कृष्ण अपनी एक शक्ति गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बता रहे हैं कि जब कल्प होता है, अंत होता है कल्प का, तब सारे जीव निस्सहाय अवस्था में गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर आकर विश्राम करते हैं। फिर जब दूसरा कल्प स्टार्ट होता है गर्भोदक्षाय विष्णु के गर्भ से जो है वो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर जो भी जीव आत्माएं हैं उनको उनके पुराने कर्मों के अनुसार फटाफट से नया देह मिलता है और वो कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं बता रही हूँ ना, ठीक है, जागते रहोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे भगवान कहते हैं, मानो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई कब तक चलता रहेगा ये कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादौ विसृ, एक कल्प खत्म होगा फिर सब लोग मरेंगे, तुम्हारे अंदर जाएंगे फिर दूसरा शुरू होगा, फिर वापस है ना स्टार्ट होगा, फिर कब तक चलता रहेगा? भगवान बोलते चलता रहे कब से यार, ये तो भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, बार बार होता है। जब से जीव है तब से यही तो होता आ रहा है। आपको पता है हम लोगों ने कितनी बार भगवान के शरीर में जाकर विश्राम किया है फिर भी अक्कल नहीं आई अभी तक, भगवान को स्पर्श करके वापिस संसार में आते हैं वही कार्य करते हैं, और कभी नरक में जाते हैं कभी स्वर्ग में भी जाते हैं। बहुत बारी हुआ है, मनुष्य पहली बार थोड़ी बने, पहले भी बहुत बारी बने, तभी तो यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान की कृपा प्राप्त की है। तो भगवान कहते हैं बार बार आता है प्रकृतिम स्वाम वैष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः, और ये सारा विराट जगत जो है मेरे अधीन है। भूत ग्रामम इमं कृष्ण अवश्यम प्रकृते वशम, तो ये जो है वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ये सब हो। ये क्यों हो रहा है? जीव जो है अपनी प्रकृति के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, इच्छा करता है, और इस इच्छा को उस कार्य के जो फल है उसको भोगने के लिए, इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उसे आना पड़ता है। तो मैं नहीं करवाता हूं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कोई करेगा कर्म तो मुझे उसका फल उसको देना पड़ता है, तो ये करता हूं। उसके बाद भगवान जो है ये जो सृष्टि है उसके अंदर जो ये सब कुछ हो रहा है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, उसके लिए भगवान कहते हैं देखो ये सारे जो कार्य हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो ये कार्य मुझे नहीं बांधेंगे। मैं अगर जन्म दे रहा हूं, मैं अगर है ना सबका सबकी मृत्यु का कारण, अगर किसी को मैं एक लोग को मार डालूं तो मुझे सजा मिलेगी ना। लेकिन भगवान बोलते मैं इतनी प्रलय कर देता हूँ, इतनी बार जन्म होता है ये, लेकिन नच माम तानी कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ये सारे कार्य मुझे बांधते नहीं है। नच माम तानी कर्माणि निबध्नन्ति मतलब मुझे
बांधते नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं भाई आपको क्यों नहीं बांधते हैं, तब भगवान कहते हैं उदासीन वदासीनम। उदासीन मतलब मैं उनसे कार्यों से बहुत दूर हूं। उद आसीन, उद कहते हैं ऊपर, आसीन मतलब बैठा हूं। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर बैठी हुई ना, अभी नीचे अगर कोई पानी आ जाता है और या कोई बिल्ली आ जाती है या कोई भी, तो मेरे को तो नहीं टच करेगा ना, वो तो ये नीचे वाले लोगों को टच करेगा। तो भगवान बोले मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं ऊपर से बैठकर उनके कर्मों का जो हिसाब किताब है वो कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं उनमें फंसता नहीं हूँ। उदासीन अवदासीन। तो और दूसरा मेन कारण क्या है, असक्तम तेषु अस्थित। असक्तम एक होता है आसक्त मतलब अटैचमेंट, और दूसरा होता है असक्तम मतलब डिटैचमेंट, मतलब इन सारी चीजों में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, ये है गीता का ज्ञान है। गीता बोलती है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको लाभ मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं ये सब मुझे बनते नहीं है। तो फिर अर्जुन पूछता है क्या ये खुद ब खुद हो रहा होता है, ये सब सारे लोगों का जो ये हिसाब किताब वो खुद ब खुद हो रहा है। कृष्णा बोलते नहीं, खुद ब खुद नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो माया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते से चराचरम, हो रहा तो मेरी अध्यक्षता में है। ये जो रूल्स है सबके लिए वो मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, मतलब मेरे ही आंख के अध्यक्ष मतलब आंख के इशारे से मैं बोलता हूं तो ये कार्य होते हैं। हेतु नाने व कौनते जगत भी, जगत विपरिवर्तते। और भगवान कहते हैं कि जितने भी संसार में जीव हैं, चर और अचर, ये सब मेरे ही शक्ति के द्वारा मेरे ही अध्यक्षता के अंदर बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं। ये काम खुद ब खुद नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इसलिए मान रहा नहीं है क्योंकि मैं उदासीन हूं वदासीन हूं, इनसे बिल्कुल दूर हूं और आसक्त नहीं हूं। अब यहां तक कितने श्लोक हो गए, 10 श्लोक, मैंने बोला था ना 4 से लेकर 10 श्लोक, ठीक है यहां तक हो गए। अब 11वें श्लोक में और 11वें श्लोक से लेकर भगवान 3 चीजें बताएंगे, ठीक है 11-15 क्या बताएंगे। पहले भगवान ये बोलते हैं कि कुछ लोग ये सब को जानते हैं, क्या जानते हैं, जो अभी मैंने 6 श्लोक में बताया ना आपको कि किस तरह से संसार होता है, किस तरह से प्रलय होती है, कल्पकांत होता है, भगवान के अंदर सारे चले जाते हैं और भगवान ये जो है ना सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, लेकिन आसक्त, ये सारी चीजों को कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं और कुछ लोग अवज्ञा करते हैं, गलत जानते हैं, गलत मतलब अवज्ञा करते हैं मतलब मानते नहीं, कोई बताता है तो भी उसको स्वीकार नहीं करते, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं और कुछ अवज्ञा करते हैं। अब देखो नहीं जानना गलत नहीं है, अगर किसी को नहीं जान रहा है कोई, उसको पता नहीं है तो वो मासूम है, उसको पता नहीं है, लेकिन अगर जानते हुए भी कोई अवज्ञा करता है तो वो अपराध, फिर वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले भगवान उनके बारे में बताएंगे जो अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करते हैं मतलब जो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, ठीक है, पहले 11 श्लोक में वो उनके बारे में बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो भगवान को स्वीकार करते ही नहीं है, ये चीजें अगर उनको बताए भी ना कि भाई भगवान के अंदर सारे चले जाते हैं, ये पूरी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, उसी के कारण ये सारे संसार में बारंबार आना और जाना रहता है, उस बात को स्वीकार नहीं करते। तो भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूता महेश्वरम। अवजानन्ति मामूढ़ा, वो कौन है, मूढ़ है, बेवकूफ है, बेवकूफ है, उनके अंदर अक्ल नहीं है इसलिए मुझे नहीं जानते। मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, कब नहीं जानते, क्योंकि जब मैं मनुष्य का देह धारण करता हूँ, भगवान कहते हैं मैं मनुष्य जैसा बन के आता हूँ। कोई कोई लोग पूछेंगे ना भाई भगवान है तो उसको यूनिक होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। हम हर कोई सोचता है ना मैं दूसरों से डिफरेंट लगूं, मैं अलग दिखूं, मैं यूनिक दिखूं। अभी भगवान है वो तो जैसा भी चाहता तो बन सकता था ना, लेकिन वो कैसा बना, मानुषिम तनुमाश्रितम, क्यों बना, उसको मनुष्य जैसा बनने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सा अलग भी बन सकता था मनुष्य से,
है ना, लेकिन वो फिर भी आपने देखो कृष्णा कैसे हैं, कृष्णा के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, सुंदर सा मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, मनुष्य के जैसा ही दिखता है। और पता है क्यों बने भगवान मनुष्य जैसे? हाँ, इसलिए बने ताकि आप सरलता से उससे प्रेम कर सको। प्रेम उसी से कर सकेंगे ना जो मेरे जैसा हो। अगर वो ऐसा एकदम इतने बड़े इतने सारे भगवान के मुख होते, विश्व रूप की तरह इतनी सारी भुजाएं होती, इतने सारे पैर होते, इतना सारा शरीर होता, फिर हम भी अर्जुन की तरह बोलते, हे भगवान आपने मेरी प्रार्थना पर ऐसा स्वरूप धारण तो किया, लेकिन अभी मेरे को डर लग रहा है भाई, पहले वाले जैसा बन जाओ। वैसा मुझे अच्छा लगता है जो बांसुरी बजाता है, वैसा मुझे बहुत पसंद लगता है, ये से तो मेरे को बहुत भय लगता है ना। और वो देखो नरसिम्हादेव भगवान कितने स्वीट है, हमारे नरसिम्हादेव भगवान बलिहारी बहुत सुंदर है, लेकिन असल में जब नरसिम्हादेव भगवान बन के आए थे ना, तब तो लक्ष्मी महारानी भी उनके करीब में जा रही थी। पहले सोचा भाई मेरे पति हैं तो मैं जाती हूँ उनके सामने, वो माला वाला उठा के जा रही थी, लेकिन जैसे ही नरसिम्हादेव भगवान ने देखा तभी सारे जितने देवी देवता खड़े हैं उनको बोलते, नहीं बाबा अभी मेरे पति देव बहुत गुस्से में हैं, मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। तो वक्त लक्ष्मी देव लक्ष्मी महारानी भी डरती हैं, कृष्ण के पास जाने से कोई नहीं डरता है ना। कृष्ण कहीं पर भी बैठे होते हैं, ग्वाल वाल आ जाते हैं, कभी क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं, मुह कोई भी गोपी कुछ भी कर सकती है उसके साथ। तो भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी ये बेवकूफ लोग मां मूढ़ा वो क्या करते, जब मैं मनुष्य देह धारण कर देता हूँ तो वो मुझे मनुष्य जैसा समझते हैं। परम भाव मजानंतो, क्या नहीं जानते वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। कौन सा बाबा तुम्हारा परम भाव, अर्जुन ने पूछा होगा, तब बोलते हैं मम भूत महेश्वरम, भले ही दिखने में मनुष्य जैसा लगता हूँ लेकिन इन सारे भूतों का मैं महेश्वर हूँ, उनका आदि हूँ। तो वो लोग ये नहीं सोचते, वो सोचते ये कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है, ये मूर्ति को आपने बनाया है वो भगवान कैसे बन सकता है, इसको तो आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए क्या करेगा। तो स्वरूप को भगवान के स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान बोलते हैं वो बेवकूफ होते हैं। तो अर्जुन बोलता है अच्छा ठीक है, वो बेवकूफ तो होते हैं लेकिन उनका होता क्या है। तब भगवान बोलते होता क्या, कुछ नहीं होता उनका, मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रुता। मोग आशा मोग कर्माणो, उनके सारे जितने कर्म हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म करो यदि आप भगवान को स्वीकार नहीं करो, किसी भी पुण्य का आपको फल नहीं मिलेगा। मोग आशा मोग कर्माणो, उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब निष्फल हो जाएंगी। और मोग ज्ञान विचेतसा, उनका जितना भी ज्ञान है वो भी समाप्त हो जाएगा, विचेतसा कुछ नहीं बचेगा चित्त में। और कैसा स्वभाव हो जाएगा उनका, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान कहते हैं राक्षसी मासुरीं चैव, कैसा स्वभाव हो जाएगा, राक्षसों जैसा, असुरों जैसा, और प्रकृति मोहिनी श्रुता, और फिर वो इस मोहिनी प्रकृति के, ये जो दैवी प्रकृति, एक दो भगवान की प्रकृतियां हैं, एक मोहिनी प्रकृति है जिसमें हम जैसे असुर लोग, आप लोग तो अच्छे भगत हो, मेरे जैसे लोग है ना मोहिनी प्रकृति में जो गिरे हुए होते हैं, और एक दैवी प्रकृति है जो भगवान के लोग शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति में होती है। तो ये कौन से हो हैं जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, वो कौन सी प्रकृति के अंदर होती है, मोहिनी प्रकृति में, प्रकृति के अंदर होते हैं। लेकिन भगवान अब श्लोक नंबर 13 और 14 में उनके विषय में बताते हैं जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान को प्रेम करते हैं उनके विषय में बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्लोक नंबर 13 में भगवान कहते हैं महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ, वैसे तो आत्मा बहुत निगरण्य है लेकिन जब भगवान को जानने लगती है तो वो महात्मा बन जाती है। जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता, ये बात मत, कुछ लोग बोलते हैं भाई हम परमात्मा बन जाएंगे जबते जबते, मैं भी परमात्मा वो भी परमात्मा,
जो ऐसे सोचते हैं वो परमात्मा नहीं बनते, वो दुरात्मा बन जाते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वो क्या बन जाता है? महात्मा। भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रित। और दैवी प्रकृति कौन सी बताए? दैवी प्रकृति है श्रीमती राधा रानी। जो श्रीमती राधा रानी की शरण में आ जाता है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान की शरण में आता है, उनकी प्रोटेक्शन श्रीमती राधा रानी करती है। दैवी प्रकृति माश्रिता। और वो कैसे क्या करते? भजन्त्य अनन्य मनसो, वो किसी और का नहीं, खाली मेरा भजन करते हैं। और क्या सोच कर करते? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, मैं सारे संसार का, जो पूरे संसार का आदि हूँ, मैं सारे संसार को पालन करने वाला हूँ, अविनाशी हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ, सारी चीजों का ओरिजिन मैं हूँ। उसके बाद अर्जुन ने पूछा होगा, अच्छा जो आपको भी मानते सब कुछ, उनकी कुछ निशानियां बताओ, वो कैसे होते हैं? वरना तो हम सब बोलने को बैठेंगे, भाई हम भी महात्मा हैं, हम भी तो भगवान को मानते हैं, हम भी तो भगवान की दैवी प्रकृति के अंदर में है। पहले पता होना चाहिए भाई कैसा होता है वो। तो अर्जुन को भगवान बहुत ही सुंदर, ये बहुत अच्छा श्लोक है, श्लोक नंबर 40। ये चैप्टर नंबर 10 जो है ना, मेरा फेवरेट चैप्टर, 9 जो है वो फेवरेट चैप्टर है, बहुत ही सुंदर है। एक एक श्लोक जो है ना, उससे मैं एक एक घंटे की कथा कर सकती हूँ, बट मैं सिर्फ आप लोगों को एक घंटे में पूरा चैप्टर सुना रही हूँ, ताकि आप लोगों को मुझे बहुत तरस आता है, कितना सुनोगे। तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम नित्यम नित्ययुक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। क्या करते हैं? सततम मना कंटिन्यूस, क्या करते हैं? कीर्तयन्तो माम, क्या करते हैं? मेरा कीर्तन करते हैं, कंटिन्यूअस मेरा कीर्तन करते हैं। तो हमको लगेगा भाई हम तो नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं अभी? श्रवण कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? कथा कर रही हूँ। तो हम तो महात्मा नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, कीर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि खाली मृदंग और कीर्तन लेके घूमो, बस वही कीर्तन होता है। आपको पता है कीर्तन के आचार्य कौन है? सिर्फ हैंड रेस कीजिए, नवदा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। कीर्तन के आचार्य कौन है? श्रवण के आचार्य कौन है? ये मैं कितनी बार बताती हूँ ये वाली बातें। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज, देखना। और कीर्तन के आचार्य हाँ कौन है? सुखदेव गोस्वामी। क्या करते हैं उन्होंने? क्या किया था सुखदेव गोस्वामी? भागवत कथा की थी, भागवत की 7 दिन में कथा की थी उन्होंने, भागवत पढ़ा था। तो जो हम भागवत और गीता पढ़ रहे हैं वो भी कीर्तन है। कीर्तन का मतलब ये, एक तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कीर्तन का मतलब होता है कि हम ना मृदंग और किरताल के साथ कीर्तन करें, वो नाम कीर्तन होता है। अलग अलग कीर्तन है, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो हम ये गुण कीर्तन लीला कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को बता रहे हैं ना, भगवान की महिमा को, भगवान के गुणों का यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी कीर्तन है। भाई क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी जो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, बहुत ज्यादा अंतिम स्टेज था, तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी, उस समय भी पता है सारे डॉक्टर हैरान थे कि उस समय जीव की चेतना कार्य नहीं करती है, मतलब कॉन्शियसनेस जो है ना वो समाप्त हो जाती है। लेकिन उस समय भी श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे, उस समय भी पटपट जो है ना ये जो तात्पर्य लिखते थे, उस टाइम पर बताते थे, मतलब बोलते रहते थे तो भगत लोग देखते थे। तो इस उस टाइम पर बहुत ही एकदम वीक भी पटपट जो है ना ये जो तात्पर्य लिखते थे उस टाइम पर बताते थे, मतलब बोलते रहते थे तो भगत लोग देखते थे। तो किस उस टाइम पर बहुत ही एकदम वीक हो गए थे,
तो सब भक्तों ने कहा कि अब तो कृष्ण प्रभुपाद जी बहुत वीक हो गए हैं, वो अभी भी मतलब तात्पर्य बता रहे हैं। तो कृष्ण प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि कृष्ण प्रभुपाद जी अब हम कीर्तन स्टार्ट करें, अभी हम कीर्तन स्टार्ट करें, मतलब वो चाह रहे थे कि आप ये अभी अनुवाद करना बंद कीजिए, हम क्या करें कीर्तन करें। श्री प्रभुपाद जी ने बोला ये मैं क्या कर रहा हूँ इतनी देर से उस स्थान में। श्री प्रभुपाद जी बोले ये मैं क्या कर रहा हूँ जो मैं इनको भगवान की महिमा के बारे में बता रहा हूँ, मेरे बाहर कितने कितने सारे लोग हैं, इनका कल्याण होगा ये श्रवण करके, ये कीर्तन नहीं है तो मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कीर्तन है जिससे आपको भगवान की महिमा समझ में आती है, जिससे हमारा मन भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान की सेवा में लगता है, तो सबसे बड़ा कीर्तन यही है। इसीलिए हम ये कीर्तन कर रहे हैं, आप सुनने का कीर्तन कर रहे हो, मैं सुनाने का कीर्तन कर रहा हूं, तो ये सततम कीर्तन हो रहा है। जब भी भगवान की लीला होती है, भगवान की बात होती है, भगवान का उपदेश होता है, तो वो कीर्तन ही है। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां, वो कंटिन्यूअस किसका कीर्तन करते हैं, मेरा मां। और फिर जब मन इधर उधर जाता है तो क्या करते हैं, यदंतस्य दृढ़वर्ता, और दृढ़वर्ता के साथ, नहीं मुझे करना है, मेरी 16 माला पूरी नहीं हुई, मुझे 16 माला पूरी करनी है, मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ, आज मेरा अध्याय पूरा नहीं हुआ, मुझे श्लोक सुनना था वो श्रवण नहीं हुआ, तो आज मुझे कथा में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, आरती करनी, कंटिन्यूस यत्न करते हैं। हो सकता है बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ऐसा नहीं है कि रुकावटें नहीं आती, रुकावटें आती हैं, लेकिन फिर भी वो यत्न करते हैं क्या करने का, यदंतस्य दृढ़वृता, कि हम नमस्यंतस्य माम नित्यम, भगवान कहते हैं नमस्यंतस्य माम नित्यम, हमेशा क्या करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, हमेशा मुझे नमस्कार करते हैं, तो क्या वो हमेशा नमस्कार में ही बैठे होंगे, ऐसा नहीं है। नमस्कार का मतलब अलग अलग होता है, नमस का मतलब होता है ना, मतलब नहीं अस्मना, मैं नहीं हूं, बस आपका दास हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मतलब मैं आपका दास हूं। और दूसरा प्रणाम करके, एक तो दंडवत प्रणाम होता है, पांचांग प्रणाम होता है, लेकिन वास्तव में नमस्यंतस्य मां नित्यं का मतलब ये है कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो भगवान ने कहा। अभी देखो पूरी भगवत गीता बताने के बाद भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को, माम नमस्कुरु बोला ना, और अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। हम लोग तो नमस्कार करते खाली फिजिकली, भगवान को बोलते हैं प्रणाम इधर तक ही स्वीकार करो, बाकी आपकी नहीं करेंगे, करेंगे अपनी, करेंगे वही जो हमको पसंद लगेगा, लेकिन नमस्यंत का मतलब होता है वो वही करता है जो भगवान का आदेश होता है। नित्य युक्ता उपासते, सदैव भगवान के भक्ति में लगा रहता है। और आगे अब देखो भगवान जो है श्लोक नंबर 15 में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, 15 में तीन अलग अलग, ये एक टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। भगवान बोलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आया ना, कुछ भगवान को नहीं जानते हैं, कुछ मानते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, कहाँ से आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज से ज्यादा आप लोगों की आवाज सुनाई देती है। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये, दूसरे जो है ये तो हो गए 11-12 में जो अवज्ञा करते हैं, 13-14 में जो भगवान को जानते हैं, और तीसरे टाइप के कौन से, वो ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान से मुझे समझने का, यजन्तो माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, वो कैसे होते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अब एकत्वेन मतलब वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म यानी कि वो अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, तू भी हे भी भगवान है, वो भी भगवान है, हे भी भगवान है, सब भगवान एक मतलब ब्रह्म मानते हैं, सब कुछ ब्रह्म है बस, और कुछ नहीं है, ब्रह्मास्मि। और दूसरे क्या है, पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, तब वो पहले वो तो सोचते हैं सब भगवान है, और वो क्या सोचते हैं कि मैं तो जीव हूँ, ये सब भगवान है, ये भी भगवान, चंडी भगवान, लक्ष्मी भगवान, झूलेलाल भगवान,
ये लाल भगवान, वो लाल भगवान, पीला भगवान, सब भगवान है, सबको भगवान मानते हैं। और मूर्ति को छोड़ो, दीवार को नहीं। एक जगह में मैं गई, मुझे प्रभु बोलते मेरी माँ को समझाओ, कोई दीवार भी नहीं छोड़ती है, हर दीवार को प्रणाम करती है कि शायद यहाँ से पूरी हो जाए। हर वक्त जो है ना, हर किसी को मानते हैं, पृथक ना, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, विश्व तो मुख भगवान की जय। विश्व तो मुख मतलब वो भगवान के विश्व रूप को मानते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा हुआ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी से। एकत्व ना, यानी मैं ही भगवान हूँ, दूसरा जो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करता है, और तीसरा विश्व तो मुखम जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है। हाँ, जो भगवान के विश्व रूप, क्योंकि विश्व भगवान के तीन फेज होते हैं, विश्व रूप भगवान का ब्रह्म स्वरूप होता है, विश्व रूप होता है, दूसरा भगवान का परमात्मा रूप होता है, और तीसरा स्वयं भगवान का। तो ये पहला स्टेप है, एटलीस्ट उसने माना तो सही कि ये संसार में भगवान है, विश्व रूप है भगवान का। तो वो विश्व, अभी देखो ये तीनों चीजों को भगवान आगे बताने वाले हैं, कौन कौन से, एकत्व न पृथक्त्व न बहुधा विश्व। अभी आगे ये कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, ग्यारहवा, अभी बारह तेरह नहीं फिफ्टीन पढ़ रहे ना, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, ये सब में भगवान विश्वतोमुखम के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये चार श्लोक हैं, विश्वतोमुखम के बारे में बताएंगे, उसके बाद भगवान पृथ्वक्त्वेना यानी अलग अलग देवी देवताओं के बारे में सब बताएंगे, और एकत्वेना के बारे में भगवान जो है चैप्टर नंबर 12 में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, आप लोगों को देर हो जाएगी ना वरना, इसलिए बारहवें अध्याय में बताएंगे। अभी किसके बारे में बताएंगे, विश्व दो मुखम यानी पूरे संसार में भगवान किस तरह से व्याप्त है, फटाफट खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करते, सही। उसमें क्या है, श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाजम अहम अग्निर अहम भूतम। के संसार में जो कुछ भी है, चाहे अहम क्रतुम यानी जो कार्य है वो भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, पितरों को दिया हुआ तर्पण श्राद्ध भी मैं हूँ, भगवान कहते हैं औषधि भी मैं हूँ, दिव्य औषधियां भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और मैं ही अग्नि और आहुति हूँ, सब कुछ मैं हूँ। यानी कि भगवान डिटेल से बता रहे हैं, मेरे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। ये कैसे है, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे शुरू शुरू में कौन पैदा हुए, ब्रह्मा जी पैदा हुए। अभी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को अगर भगवान बोलेंगे भाई यज्ञ करो, तो ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे, यज्ञ किससे करूं, मेरे पास ना अग्नि है, ना आहुति है, ना कर्मकांड है, ना श्लोक है, ना मंत्र है, ना घी है, कैसे करूं। तो सब कौन देगा, कौन देगा, भगवान देंगे ना। अब तो उसने कुछ संसार तो उत्पन्न किया ही नहीं, तो भगवान ने सब कुछ दिया है, जो कुछ भी है आज हम लोग मार्केट से भी लेके आते ना, वो भी असल में भगवान ने दिया। तो भगवान बोलते मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर भगवान श्लोक नंबर 17 में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जीवों के साथ मेरा संबंध क्या है। भगवान कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवता। पिता हमस्य जगतो, मैं पूरे संसार का पिता हूँ। आप बोलोगे भाई मेरे पिता तो मेरे पापा हैं, है ना, आपके पिता तो आपके पापा है ना, भगवान कैसे हुए। तो असल में वो पिता आपके शरीर के हैं, लेकिन हम तो शरीर नहीं है ना, हम तो जब इस शरीर में नहीं थे तब भी थे, तब हमारे पिताजी कौन थे, दूसरे हो गए जो उस शरीर को पैदा किया। तो इस तरह से करते करते स्टार्टिंग भगवान कहते अहम बीज प्रदप पिता, असल में मैं पिता हूँ आपका। और फिर मानो कि भाई भगवान से पूछे अर्जुन, पिता अपो तो माता कौन है, भगवान बोले कोई नहीं है, मैं ही हूँ माता भी, मैं ही था पहले, कोई नहीं था, माता धाता पितामह, मैं आपका धाता भी हूँ, एक तो मैं तुम्हारी माता हूँ, ऊपर से तुम्हारा पालन करने वाला, और तुम्हारा दादा भी हूँ। तो बोलेंगे भाई आप पिता हो, तो ब्रह्मा जी दादा, ब्रह्मा जी ने पैदा किया उनको, तो बोला ब्रह्मा जी को मैंने पैदा किया इसलिए मैं दादा हूँ, आखिर तो मैं ही हूँ ना। तो भगवान कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम, कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो ओंकार जपेंगे, ओंकार जो वेदों में बताया गया है वो ही भगवान है। तो बोलो हाँ, भगवान बोलते हैं वो कौन है,
मैं हूँ वेद्यम पवित्र ओंकारम, जो ओंकार है वो भी मैं हूँ, और जो भी वेदों में लिखा हुआ है ऋक साम यजुर्वेद में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, ऋक साम यजुर्वजा। और फिर भगवान बोलते किधर जाओगे, भटक भटक के आखिर तो आना मेरे पास है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुगुण। गति यानी कि आपका लक्ष्य भी मैं हूँ, भर्ता मतलब आपको पालन करने वाला मैं हूँ, और साक्षी जो कुछ किए ना काले करतूत सब देखे हृदय में बैठकर, सबको मैं जानता हूँ। और भगवान कहते हैं प्रभव प्रलय स्थानम, स्टार्ट भी मैं हूँ अंत भी मैं हूँ, निधानम बीजम अव्ययम, और मैं तुम मैं ना समाप्त तो होने वाला बीज हूँ। और भगवान आखिर ये आखिरी श्लोक है इसका विश्व तोमुखम का, उसमें भगवान बहुत सुंदर बताते हैं तपाम्यहमहम वर्षम निगृणाम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन, कि मैं ही सूर्य रूप से जगत को तपाता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और फिर उसको बचाता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे अतिरिक्त, जो कुछ भी तुमको मिल रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। और अमृतम चैव मृत्युम च, अमृत यानी जो आनंद प्रदान होता है वो भी मैं हूँ, इस संसार में जो जी रहे हो मेरे कारण, मरोगे भी तो भी मेरे कारण, मृत्यु से मैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, मरोगे नहीं तो बोलेंगे भगवान इतनी सारी कृपाएं करके फिर मरने वाला सीन क्यों, मरने वाला नहीं करते थे ना, हमको पसंद नहीं लगता ना, सब लोग बोलते हैं भाई डरती है रूह यारो और दिल भी कांपता है, मरने का नाम ना लो मरना बुरी बला है, किसी को पसंद नहीं लगता, लेकिन भगवान बोलते हैं ज्यादा पाप का घड़ा बढ़ जाएगा ना तो ज्यादा पाप आपको उसका पनिशमेंट भी ज्यादा मिलेगा, इसलिए एक समय के बाद मार देता हूँ कि थोड़ी देर आराम करके दोबारा से पैदा होगा, बचपन में तो नहीं करेगा ना, फिर बड़ा होने के बाद करेगा, चलो फिर वापस मार दूंगा, कब तक सोचेगा जीव, कब तक जीव ये नहीं सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तब तक भगवान वापस से मार देते। तुम खुद सोचो हम लोग है ना 50-60 साल की आयु में इतने पाप करते हैं, अगर 200-500 साल होती आयु तो कितने पाप करते है ना, पता भी चलता, अभी तो हमारा टाइम इंटरनल है वो टाइम तक पाप करने का, वरना फिर थोड़े बूढ़े हो जाते तब लगता है भाई अब मरना है तो कम से कम अब तो हरि का नाम ले लूं, तो वरना तो वो भी नहीं करते। तो भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं अच्छा ये सब आप थे, ये जो अभी बता रहे हो तो पितामह से जगतो माता दाता पितामह गति भरता, ये सब आप हो, वेदों में तो दूसरी बातें लिखी होती हैं, वेदों में तो निराकार ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ है और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के बारे में लिखा हुआ है, वो सब लिखा हुआ वो। तब भगवान बोलते हैं देखो दो श्लोक आएंगे अभी, श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 21, उसमें जो वेदों में लिखा हुआ है उसके बारे में भगवान बताएंगे। भगवान कहते हैं त्रैविद्यामाम सोमपाह पूत पापा यज्ञ ऋष्ट्वा स्वर्गतिम प्राप्तयन्ति ते पुण्यमासाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यां देवि देव भोग, के जो तीनों वेदों में लिखा हुआ है जो उसको पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद उनको जो रस मिलता मतलब यज्ञ करते ना उधर वो उनको जो यज्ञ से सामग्री मिलती अमृत मिलता उसको पीते हैं, और उसके बाद कहाँ जाते हैं वो इन स्वर्ग थे वो स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां पर देवताओं के जैसा आनंद प्राप्त कर अश्यंति दिव्यां दिविदेव भोगान, जैसा देवता लोग आनंद प्राप्त करते हैं वैसा प्राप्त करते हैं, कौन जो यज्ञ करते हैं जाते हैं ना आगे भगवान कहते हैं अच्छा वो जब उधर जाते हैं फिर क्या होता है, अर्जुन पूछेंगे तो भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, बहुत समय तक स्वर्ग में रहते हैं, फिर भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम शांति, फिर संसार में आते हैं जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, और इस तरह से तई धम्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, तीनों वेदों में लगे हुए लोगों का बस यही काम है गतागतम काम कामा, बार बार आते हैं संसार में पुण्य कर्म करते हैं वेदों को पढ़ते हैं, इस देवी देवता की पूजा करो उधर यज्ञ करो ये यज्ञ करो, फिर किधर जाते हैं स्वर्ग में जाते हैं, फिर वापिस क्षीण पुण्य नृत्य लोग, तो एक बार महाराज बता रहे थे
कि हम लोग ये कथा कर रहे थे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो बच्चों का होता है ना स्लाइड, बच्चे ऊपर जाते हैं ना सीढ़ी पे, फिर स्लाइड से नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर से सीढ़ी पे जाते हैं, फिर स्लाइड से नीचे उतरते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे दूसरे बड़े लोग भी बैठे हुए थे, तो महाराज बोल रहे भाई ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बोला खेल रहे हैं। तो बोला आप लोग भी खेलो ना, आप लोग क्यों बैठे हुए हो? तो वो क्या बोलेंगे, भाई हम तो थोड़े ना बच्चे हैं, ये तो बच्चों का खेल है, ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो है ना त्रय विद्या माम, ये तो बेवकूफ बच्चों का खेल है। भगवान के जो भक्त होते कृष्ण भक्त भरत चतुर, छोटे भगत को भी बोलोगे ना, अगर छोटा होगा मतलब अभी तक नया नया भगत आया होगा उसको भी बोलो स्वर्ग जाना है, वो बोलेगा नहीं बाबा स्वर्ग नहीं जाना है, ये बच्चों का खेल है, इधर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हम कितना शोक से बोलते हैं। आज एक न्यूज आई उस पे लिखा था सैड न्यूज, आगे लिखा हुआ था मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मतलब आपको खुशी नहीं हुई कि आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए? ये तो खुशी की बात है ना, मतलब भगवान नहीं ऐसे नहीं लिखा, स्वर्गवासी नहीं लिखा, मीट टू गॉड, वो भगवान को मिलने के लिए चले गए, ये तो खुशी की बात है, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी स्वर्ग में जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां से वापिस आना पड़ता है। तो यहाँ तक भगवान ने उनके बारे में बताया जो के वेदों की उपासना करते, और अब भगवान उनके बारे में बताएंगे जो भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसमें भगवान क्या कहते हैं, अनन्या सिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या सिंतयन्तो माम, जो अनन्या दूसरा किसी का नहीं खाली मेरा चिंतन करते हैं, ये जना कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिटीज की जरूरत नहीं, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, जो भी कर सकता है, लेकिन करना क्या है, अनन्या दूसरों का नहीं मेरा चिंतन करता है, ये जना जो भी कर सकता है परि उपासते, क्या प्राप्त करने के लिए, मुझसे मुझको प्राप्त करने के लिए, मुझसे और कुछ प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास जाओ तो भगवान को मांगने के लिए। कोई ऐसा होता, बहुत ज्यादा लोग तो ऐसे नहीं होते, वो तो भगवान से कुछ और मांगने के लिए जाते हैं। हम रोज सुनते कथा में भगवान से भगवान को मांगो, लेकिन फिर भी भगवान से जाकर बोलते हैं भगवान ये घोड़े का दर्द दूर कर दो। अरे वो मिल जाएगा, दर्द दूर हो जाएगा, तुम बोलो तो सही मुझे तुम चाहिए हो, वो बस मिल जाए। दूसरी कोई जब भी याद भी है ना, घर से निकलो ना मंदिर की ओर जाना है, याद करते हुए आओ, जैसे बच्चे जाते हैं ना स्कूल, फिर वो अपना टेबल याद कर जाते हैं, 2 1 2 2 2, इसको ये बताना है, घर से याद करके जाओ, भगवान से जाके बोलूंगा भगवान मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, भले कितनी भी प्रॉब्लम्स है भगवान को खाली बोलो मुझे तुम चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये जना परि उपासते, जो मुझसे मुझको मांगता है उसके साथ क्या करता हूं, उसके साथ तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी हर कमी को मैं पूरा करता हूं। छोड़ दो टेंशन, उसके ऊपर दे दो, उसकी हर कमी को मैं पूरा करता हूं, और जो उसके पास है उसकी सुरक्षा भी मैं खुद करता हूं। इजी हो जाओ, जीना कितना सरल है, बस भगवान तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी भगवान सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आपकी। और ये बोलने की बात नहीं, कर देते हैं। आपको पता है जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे उनके पास कितने पैसे थे, 40 रुपए, कितने मंदिर बनाए 10 साल में, 108 मंदिर बनाए, और फिर जब वापिस से जब इंडिया आए ना उनके पास कितने पैसे थे इंडियन, वही 40 रुपए, क्योंकि वहां पर तो चले ही नहीं अमेरिका में, अमेरिका में तो डॉलर चलता है, रुपया तो चलता ही नहीं है। तो जब उनके वो आए थे, उनके साथ कुछ भक्त थे, बोला उनके पास तब तो डॉलर थे वहां से आए, तो श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी प्रभुपाद जी हम है ना इंडियन करेंसी करवाए, चेंज करवाए, मतलब डॉलर लेकर। तो श्रील प्रभुपाद नहीं, मेरे पास 40 रुपए है ना, मेरे पास 40 रुपए है, अभी हम लोग ऑटो करवा के घर चलते हैं, उसके बाद चेंज करवाओ। ऑटो वाले ने सुन लिया कि स्वामी जी तब गए थे 40 रुपए लेकर, अब इनके पास 40 रुपए है, तो किराया बनता था 30 रुपए,
लेकिन ऑटो वाले ने बोला नहीं मैं ना 40 रुपए लूंगा। तो मैं क्यों बोला मैं ये 40 रुपए कभी खर्च नहीं करूंगा, ये तो प्रभु आपके 40 रुपए मेरे जीवन को बदल देंगे। फिर वो इतने बड़े है ना गाड़ियों का शोरूम हो गया था उसके पास जिसने प्रभु 40 रुपए दिए थे। लेकिन मैं आपको बता ये रही हूँ कि अगर हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो भगवान हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का उदाहरण है। जब तक हम अपने ऊपर काम करते थे, अपने ऊपर लेते थे कि हमें करना है, ये मुझे करना है, तब बहुत कठिनाई से कार्य होता था, बहुत कठिनाई से होता था, बहुत मुश्किलें हमें करनी पड़ती थी। अब क्या है, भगवान तुम्हें करना है, खुद कुछ करो ही नहीं, आराम से बैठ रहो, सारा काम हो जाता है, बिंदास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के बाद रास्ते में कांटे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप नाम जप करोगे तो रास्ते में कांटे नहीं होंगे। लेकिन भक्ति तो वो इस तरह से वो वेलवेट का एक ना कारपेट बिछा देती है कि कांटों के ऊपर भी पांव रखते हो तो आनंद से गुजर जाते हो। तो बहुत ही सरल है भगवान के आश्रय में रहकर चलना। इसे भगवान आगे बोलते हैं, अभी आगे जो है ना 23 से लेकर 25 तक भगवान उसके बारे में बताएं, पृथक्त्वेना, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैं ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ फिर भी देर हो रही है, समय खत्म हो जाता है, मैं थोड़ी से ही है, मुझे खत्म करना है सब, कर लूं भले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। 23 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं वो लोग जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते दृढ़व्रता, वो श्रद्धायान्विता, वो जो दूसरे देवी देवताओं की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं वो भी मेरी करते हैं। ते भी मामे व कौनते हैं लेकिन अविधि पूर्वक, वो सही तरीका नहीं है। और भगवान कहते हैं सही तरीका क्या है, अहम ही सर्व यज्ञानां, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ, भोक्ता च प्रभु, न तो माम अभी जानते, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते, तत्वे ना कश्यमंति चे, इसलिए जो मुझे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते वो गिर जाते हैं। और फिर अर्जुन बोलता है अच्छा तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी तुम्हारे पास जाते हैं, बोला नहीं वो पूजा मेरी करते हैं लेकिन मेरे पास आते नहीं है क्योंकि तरीका गलत है। अर्जुन को समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं अगर वो तुम्हारी पूजा करते तो तुम्हारे पास आएंगे ना। तब भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन उसमें आप जब सफर करते हो तो आप वो ट्रेन तो लाहौर भी जाएगी और भी दूसरी जगहों पर जाएगी, लेकिन आपको कहाँ उतारेगी, जहाँ का टिकट आपने लिया होगा। तो भले ही भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पूजा हम जिसके करते हैं उसी देवी देवता के पास जाते हैं। अगर जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृ व्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम, जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के साथ जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के साथ जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। और भगवान को अर्जुन ने कहा अच्छा तो देवताओं और आपकी भक्ति में इतना फर्क है तो क्या देवताओं और आपकी भक्ति देवताओं से ज्यादा मुश्किल है क्या? तब भगवान बोले नहीं मेरी भक्ति ना देवताओं से भी ज्यादा आसान है, मुझे प्रसन्न करना बहुत इजी है, करना क्या है पत्रं पुष्पं फलं देतोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तं अश्नामि प्रियतात्मना, कोई मुझे प्रेम से यदि पत्ता दे दे तुलसी का, फूल दे दे, फल दे, कुछ नहीं हो उसके घर में पानी का गिलास दे दे, उससे भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इसलिए अर्जुन ने कहा अगर ये सब भी तुमको नहीं दे तो भी खुश नहीं होगे ना। तब भगवान बोलते हैं नहीं भले नहीं दे ये सब, यत करुषि यद अश्नासी यज्योसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, जो भी वो करता है भले ठीक है, जो कर रहा है जो खा रहा है जो तपस्या कर रहा है जो दान कर रहा है, बस ये सोचे श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। यदि वो सब कार्य मेरे लिए करेगा तो फिर भगवान कहते तब वो मुझे अर्पण करते हुए उसको करना चाहिए। अर्जुन बोले
सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा तो उसको मिलेगा क्या बोले ये तो बताओ। तब भगवान कहते हैं शुभा शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, कि इस तरह से उसके शुभ और अशुभ कर्म फलों का सारा उसको कोई फल नहीं मिलेगा और वो जन्म मरण के चक्कर से कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। और आगे भगवान के संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसि, और फिर मुक्त होकर मेरे पास आएगा। तब भगवान को अर्जुन एक सवाल पूछते, क्या जो तुमसे मतलब तुम हर किसी के साथ एक जैसे होते हो या तुम्हारा दूसरों के साथ कैसा कैसा सुलूक होता है? तब भगवान बोलते नहीं, जितने भी लोग हैं ना मेरे लिए बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, जितने भी संसार में लोग हैं वो मेरे लिए सम है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना मैं किसी से प्यार करता हूँ। अर्जुन बोलते फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, के दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ और साधुओं का कल्याण करने के लिए आता हूँ। तब भगवान कहते हैं भाई ये तो रूल है ना, जो प्यार करेगा वो प्यार पाएगा, जो प्यार नहीं करते वो सारे मेरे जैसे हैं, लेकिन ये भजन्ते तु माम भक्त्या, जो प्रेम से भक्ति से मुझे भजन करते हैं, मैं ते तेषु चाप्यहम, वो मेरे हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। अच्छा फिर अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि क्या आपके भक्तों के अंदर कोई खास क्वालिटीज होती हैं? अर्जुन को भगवान बोलते क्वालिटीज क्या, अपिचे सु पापे सु दुराचारे ना, अगर दुराचारियों में सबसे बड़ा दुराचारी भी होगा, भजन्ते माम अनन्य भाव, और आ जाएगा और उठाएगा माला और शुरू करेगा हरे कृष्णा कृष्णा कभी भी पापी नहीं बोलना। साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः, उसको साधु ही मानो क्योंकि वो सही रास्ते पे आ गया है। भगवान को अर्जुन बोलते हैं लेकिन पापी होगा तो उसको भगत बन माला उठाएगा तो भी बहुत समय लग जाएगा ना भक्त बनने में साधु बनने। भगवान बोलते समय क्या लगेगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह नमे भक्त प्रणश्यति, वो तो क्षिप्रम भवति, जैसे ही उसने किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय ग्रहण किया और जैसे ही हरि नाम का उच्चारण किया वो तो हिप्पी में से हैप्पी बन जाएंगे, है ना। जैसे श्री प्रभुपाद जी के सारे अपराधी थे, जैसे ही श्री प्रभुपाद जी के शरण में गए सब एकदम साफ, यहाँ से सिक्का है, धोती पहनी हुई, तिलक लगा हुआ, कंठी ऐसा लग रहा था जैसे परमधाम से आए। तो ऐसा हो जाएगा यदि भगवान कहते हैं किसी शुद्ध वैष्णव का साथ मिल जाए और भगवान का नाम मिल जाए तो फिर आप आसानी से भगवान के भक्त बन जाओगे। तो भगवान आगे भगवान कहते हैं कौनते प्रति जानी है नमे भक्त प्रणश्यति, और एक बार जो मेरा भक्त हो जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो फिर अर्जुन वापिस पूछते हैं कोई भी भक्त बन सकता है क्या, क्योंकि यकीन नहीं आता ना अर्जुन को कि अच्छा इतना सरलता से क्या कोई भी भक्त बन सकता है। भगवान कहते हैं माम हि पार्थ व्यभाषित ये ते स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यन्ति परम गति, हे प्रथा पुत्र जो मेरी शरण ग्रहण करता है भले ही वो पाप योनयः जन्म से पापी हो, पाप योनि में पैदा हुआ हो, स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो जो भी हो तो वो भी परम गति प्राप्त करेगा। किम पुनर्ब्रह्म पुण्य भक्त्या राजर्षयस्तथा अनत्या असुखम लोकम इमं प्राप्य भजन भजत्वम। तो फिर ब्राह्मणों की क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे शुद्ध होते हैं। इसलिए आप इस संसार में आए हो, वो संसार कैसा है, अनित्या असुखम, आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर इधर बैठ के 11 बजे तक कथा नहीं सुनोगे, घर पे कुछ भी करोगे ना उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं एवं प्राप्य भजस्य माम, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना उसमें समय निकालो मेरा भजन करो, और फिर उसके बाद भगवान से बस खत्म हो गया। देखो आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
मामे वैशसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणं। कि अर्जुन, अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो आपको चार काम करने पड़ेंगे। मन मना, यानी अपने मन को हमेशा मेरे चिंतन में लगाओ। हमेशा मन में हम संसार को बिठा के बैठे, भले भगवान कितना भी बोले, भगवान को बोले कि भाई मन में तो मैं उसको बिठाऊंगी, इधर तुमको मंदिर में बिठाऊंगी, है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं मन मना, मन में मुझे बिठाओ, भव मत भक्तो, बनना क्या है मेरा भक्त बनना है। भगवान बोलते मेरा भक्त बनो, किसी और का नहीं बनो। और उसके बाद माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और इस तरह से यदि तुम करोगे, मामे वैश्यसि युक्त्वैवं, अगर तुम सदैव मेरी भक्ति में लगे रहोगे पूरे ध्यान से, तब भगवान कहते हैं आत्मानं मत्परायणं, तो तुम सरलता से मुझे प्राप्त कर लोगे। तो यूं ये नवा अध्याय समाप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ग्रन्थराज श्रीमद्भगवद्गीता मात्र की जय। निरारुवाद की जय। गौरव प्रेमानंदे नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की जय। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप इतनी रात गए तक कथा सुन रहे थे प्रेम और श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के साथ। तो कृपया मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्त बन सकूं और अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। विद्या आपको तीन बार हाथ ऊपर करके महामंत्र उच्चारण।